हम शॉर्ट टर्म में नहीं, मुझे ज्वाइनिंग हुए 2 से 3 साल हो गया, डायमंड डायरेक्टर अभी इस लेवल पे। मैंने इस सिस्टम से जो इनकम मिला है उससे 1 साल हो गया। घनसोली भी मैंने मेरा न्यू फ्लैट लिया है यहाँ से इस इनकम से। प्लस अभी तक कोई ट्रैवल फंड से ट्रैवलिंग नहीं की है, लेकिन वो मेरा फंड जमा है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ट्रैवल फंड से जाना है, लेकिन मेरी बड़ी लड़की है जो 9th में पढ़ रही है, थोड़ा सा उस सोच में कि 10th के एजुकेशन के बाद उसके लिए वो पैसा बचा के रखा है, उसके एजुकेशन के लिए फायदा हो जाएगा, या जनवरी या नेक्स्ट ईयर हम पूरे फैमिली के साथ ट्रिप में जाना चाहते हैं। इसके लिए ट्रैवलिंग अभी तक नहीं किया है, लेकिन जो पैसा है उससे गए साल मैंने गंसुर में फ्लैट परचेस किया है इस वेस्टेज के इनकम से। और मेरे टीम में ज्यादा से ज्यादा लेडीज है, वो इस सिस्टम से बढ़िया अर्निंग ले रही है यहाँ से, और सिस्टम बहुत अच्छा है कि लेडीज के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एक सिंपल काम करते हैं, वेस्टेज कितना समय हुआ आके? 3 साल। 3 साल पहले कैसी जिंदगी थी? ये अभी मेरे पास है, इनको इजी कर देते हैं ना, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इनके काम इजी हो। 3 साल पहले जिंदगी कैसी थी? एक्चुअल रियल लाइफ में बोला जाए तो बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे शादी हुआ, मेरा जो एजुकेशन है, जो मैंने बीए किया है, लेकिन 15 साल मैंने किचन में ही गुजारे, खाली खाना ही पकाया, उसके पश्चात मैंने कुछ नहीं किया। ब्यूटिशियन किया है, बहुत सारे कोर्सेज किए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। मन में बहुत तमन्ना थी कि बच्चों को एजुकेशन अच्छे इंग्लिश स्कूल में डाला जाए, माइंड में था कि, लेकिन घर में ऐसी सिचुएशन की बड़ी फैमिली थी, मेरे हस्बैंड का जो पेमेंट था वो कम था, और लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है। मेरे दोनों बच्चे भी आज इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ले रहे हैं। घर जिस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि घर में कुछ नहीं, मैं 6 साल तक रेंट से रह रही हूँ, क्योंकि जो बोलने के लिए रियल में शब्द नहीं है कि ऐसे साल निकले कि जब बच्चा पेट में था तो घर में पैसे होने के बावजूद भी बच्ची के एजुकेशन के लिए किसी ने पैसे नहीं दिया। मैंने मेरी बच्ची का जब जूनियर का एडमिशन किया था, लगभग मैंने 1 महीना तक स्कूल के बाहर खड़ी थी, और जिस दिन ट्रस्टी ने मुझे पूछा कि आप मैडम रोज रेगुलर आ रही हो, मैंने ये बोला था कि मेरी जितनी भी कहीं नहीं, मेरे पास जो भी है, लेकिन मुझे मेरे बच्ची का एडमिशन ऐसे स्कूल में करना है जिससे मुझे मेरी बच्ची को इंग्लिश मीडियम में सिखाना था। और जब मेरा नेक्स्ट लड़का, जब उसकी डिलीवरी थी, घर में इतना बड़ा फैमिली होने के बावजूद भी मेरे पास कोई नहीं था। 9th की जब मेरी डिलीवरी था, मेरा सीजन हुआ था, उस टाइम मेरे हस्बैंड एकमेव ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी माँ बाप या जो भी आप बोलेंगे, उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि उस टाइम भी मतलब वो फीलिंग था कि ये क्यों हो रहा है, खाली पैसा, मतलब पैसे का महत्व इतना होता है कि उसके सामने रिलेशन भी फीका पड़ जाता है। तो उस टाइम सोचा था अगर बच्चों को लाइफ दूंगी तो बहुत बढ़िया लाइफ दूंगी, इससे निकलना है तो बाहर पढ़ना है। उसी टाइम एक सोच बनाई कि मेरे बेटे का जैसे जूनियर हुआ, मैंने उस घर को छोड़ दिया, 6 साल से रेंट से रह रही हूँ, फिर भी सब लोग मजा ले रहे थे कि कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरे ससुर जिस मकान में रह रहे, मैं आज 15,000 रेंट दे रही हूँ, और अच्छी मुझे बोले नहीं अभी बहुत हो गया, अभी सबको एक साथ आना है, 31st की पार्टी हम लोगों ने एक साथ मिलाई है। क्यों हुआ? पैसा, क्योंकि वो उनकी सोच थी कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने उसको डेवलप कर दिया, आज इतना सपोर्ट है कि आज खुद बोल रहे हैं। आज मीटिंग था रात से, मेरे लड़के को लूज मोशन और वोमिटिंग हो रही थी, मैं आज मीटिंग में कन्फर्म नहीं था आने का आज का, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं तुम जाओ मीटिंग में, मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ। शाम को जब ससुर को फोन किया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोले तुम जाओ बिंदास करो, मैं घर का सब हैंडल करता हूँ। एक बार ऐसा था कि
सबसे बड़ी हूँ घर में, घर में जॉइंट फैमिली का आपको पता है, हम किसी को न पूछते हुए भी उन्होंने वो रूम पूरा छोटे देवर उनके नाम पे किया था। लेकिन आज सोचो वो उनमें इतने चेंजेस आए कि कोई भी बात अभी हमें पूछ के बिना नहीं करते, इतना लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। तो एक सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा कि आपको जो मान सम्मान नहीं मिलता था वो अब आपको इस सिस्टम से मिलने लगा है, राइट? यस ऑन फर्स्ट। दूसरी चीज अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो ये कहना चाहूंगा कि आपने जो रेंट वाले घर में रहते थे अभी आपने अपना खुद का घर ले लिया है, राइट? सो ये दो बदलाव है, एक फाइनेंशियली आप धीरे धीरे साउंड होती जा रहे हैं और दूसरी बदलाव ये कि आपने अपने